नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2019 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। ये क्वेश्चन है, उसके चार पार्ट पूछे गए हैं। व्हाई हैज ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, क्या है ब्लैक सब्सटेंस, केमिकल इक्वेशन बतानी है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग बी टर्न रेडिश ब्राउन, वापस रेडिश ब्राउन। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन पे अगर मैं आता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कॉपर खुद कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग क्या डिपॉजिट हुई है, तो वो कैसे होगी, जब कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वो ब्लैक कोटिंग जो है ना, वाई हैज ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो वो है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्या, कॉपर। कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दैट जो कि होता है Cu+O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड है कॉपर के ऊपर जो डिपॉजिट हुआ है, ये ब्लैक सब्सटेंस देता है कॉपर को, ओके, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन जो डिपॉजिट हुआ है कॉपर पे, तो ये कॉपर ऑक्साइड पे ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ कॉपर के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे भी कॉपर और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये पहला है, Why has black substance formed? तो वो है oxidation of copper। ये आपका first answer है। What is the black substance? तो black substance आपका क्या होगा? Black substance होगा आपका copper oxide। क्या होगा? Copper oxide ये आपका black substance है। ये आपका B का answer है। Chemical equation ये आपका C, chemical equation हो गई। How can the black coating be turned reddish brown? वापस हमको copper चाहिए। Reddish brown मतलब क्या मांग रहे हो? वापस copper मांग रहे हो। तो simple सी चीज है। ये ब्लैक किसकी वजह से हुआ है, ऑक्सीजन की वजह से हुआ है। तो ऑक्सीजन को अगर हम हटा दें तो वो वापस क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को हटाना है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है, जो हमने अर्लियर लेक्चर्स में भी पढ़ा था, जो हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस, अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। तो क्या होगा, Cu+ हो जाएगा H2O, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा रिडक्शन, किसका, कॉपर ऑक्साइड का। तो इसका तो हो गया रिडक्शन, तो आपको वापस कॉपर मिल जाएगा। वापस कॉपर मतलब आपको वापस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस मिल जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका 2019 का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस याद रखना है, कॉपर खुद रेडिश ब्राउन होता है, आप उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी ड्यू टू ऑक्साइड लेयर, जो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की लेयर को अगर आपको हटाना है तो आपको रिडक्शन प्रोसेस में वापस जाना पड़ेगा। तो ये चारों पार्ट इसमें कवर होते हैं। थैंक यू।